JEE में कम नंबर और इंटरमीडिएट में ज्यादा नंबर आते तो आपने अक्सर सुना होगा। अब बिहार के शेखपुरा के बरबीघा का एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि इसके उलट है। रोहित कुमार नाम के छात्र ने JEE मेंस में 75वीं रैंक हासिल की। दरअसल रोहित ने इसी साल बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में रोहित के भौतिक विज्ञान में कुल 13 नंबर आए, जबकि उसके भौतिक विज्ञान की थियोरी में 1 में 1 नंबर और थियोरी 2 में 12 नंबर आए। रोहित की JEE मेंस में जनरल रैंक तो 132,879 है, जबकि PWD कैटेगरी में रैंक 75 है। बिहार बोर्ड के नियमों के मुताबिक पास होने के लिए 21 नंबर लाना जरूरी है। अगर 21 से कम नंबर आएंगे तो उस विद्यार्थी को फेल माना जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार बोर्ड के कॉपियों की दोबारा जांच कराई जाएगी। वहीं अगर बिहार बोर्ड के 12वीं के पिछले 2 साल और इस साल के रिजल्ट पर नजर डालें तो साल 2015 में साइंस का रिजल्ट 89.32% और साल 2016 में 67.06% था, जो इस साल घटकर 30.11% रह गया। कॉमर्स में साल 2015 में 90.55% और 2016 में 80.87% छात्र पास हुए थे। इस साल नतीजा 73.76% रहा। इसी तरह आर्ट्स में साल 2016 में 56% छात्र पास हुए थे, इस साल नतीजा सिर्फ 37.13% रहा। वहीं पटना हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को राज्य के सभी स्कूलों और इंटर कॉलेजों की जांच करने का आदेश दिया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब 1,317 स्कूलों की जांच करेगी। इन स्कूलों में 715 हाई स्कूल और 602 इंटर कॉलेज शामिल हैं।